हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर के बारे में। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि ये एक जो है वॉइस ओवर करने के काम आता है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, या आप इस पर वॉइस ओवर कर सकते हो, या जो आपका नॉइज रिडक्शन है उससे कर सकते हो, यानी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। बट दोस्तों, इसमें जो है आप अपने जो है कैरियोके या म्यूजिक ट्रैक के साथ सॉन्ग को भी एक अच्छे लेवल का सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें सारे इफेक्ट जो अभी यूज होते हैं वो सारा इसमें ऐड कर सकते हो। इसके लिए चलिए मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर दिया। और इसमें सबसे पहले आपको जो वॉल्यूम वाला आइकन है इसको जीरो पे कर देना है डीबी पे। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ से म्यूजिक को ऐसा ट्रैक जो है लोड सॉन्ग को करके म्यूजिक को ऐसा जो आपको जिस पे आप सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको चूज कर लेना है। तो मैंने जैसे यहाँ चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर में हो गया, इसका मतलब आपका सॉन्ग लोड हो चुका है। उसके बाद आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है सॉन्ग रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ वॉल्यूम पर कुछ कुछ हलचल हो रही है, यानी हमारा जो है अभी सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि जो म्यूजिक का जो ट्रैक है वो आपके कान में बजता रहेगा और आपको बस गाना उसके साथ, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ, जब जैसे कि मेरा अभी रिकॉर्डिंग अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे राइट कॉर्नर में जो ये स्क्वायर वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ होगा वो ऑडियो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर फिर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। और इफेक्ट में जाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो नॉइज है उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुरू में है वो नॉइज है, इसको हम कम कर देंगे। और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे हम अप्लाई कर देंगे। अभी बस ये हमारा साउंड ही सुनाई देगा, ठीक है। क्योंकि हम बस जो म्यूजिक ट्रैक उस पर कोई सा इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बस जो हमारा वॉइस है उस पर ही इफेक्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी जो ये वॉइस देख रहे हैं आप, ये एक प्लेन वॉइस है, इसमें म्यूजिक नहीं है। हम बताएंगे इसमें म्यूजिक कैसे ऐड करेंगे। फिर हम इफेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज कर देंगे, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे यहाँ पे इफेक्ट में जाके, और नॉर्मलाइज के बाद हम कंप्रेसर यूज करेंगे, और कंप्रेसर भी जो डिफ़ॉल्ट है वही यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी बस हम ऑडियो एडिटिंग अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फिर जो है म्यूजिक ट्रैक कैसे ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्विलाइजर पर। इक्विलाइजर पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको सेटिंग दिख रहा है बस ऐसा ही सेटिंग करना है। बट आप में शुरू में ऐसा नहीं रहेगा, ये सब एक ही लाइन में अरेंज रहेगा। तो सब ऐसा जो अभी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो इस तरह से शुरू में रहेगा। बट आपको जो शुरू अभी देख लीजिए आप, ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा। लेकिन जो हम शुरू का जो दो है इसको पूरी तरीके से हमें कम कर देना है, और लास्ट वाले को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देना है, ठीक है। लास्ट के दो को थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है और नीचे वाले को पूरे ही कम कर देना है। उसके बाद जिस तरह से मैं सेटिंग कर रहा हूँ आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो पहला दूसरा तीसरा इसको धीरे धीरे नीचे कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्यू है वो भी हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। ये दोस्तों मैं अभी ऑडियो जो अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक साथ दो काम नहीं होगा। मैंने ये पहले से ही रिकॉर्ड करके वीडियो को रख लिया था, और मैं अभी आपके सामने भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से जो है ये हो गया, ठीक है। इसमें फिर हम इफेक्ट में जाएंगे। इसके बाद जो मेरा सारा इफेक्ट हो गया तो हम इको लगाएंगे। इको के लिए आपको जो पहला वाला इको लेवल है इसको 20 रखना है। उसके बाद जो डिले है इसको मिनिमम कर देना है 50 पे सबसे कम, और जो फीडबैक है इसको 50 करना है। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे और इसमें जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो डालोगे तो ज़्यादा इको होने के बाद पूरा इरीटेटिंग लगेगा आवाज़, वो एक ही आवाज़ बार बार रिपीट होगा। तो हम जो जो करना है उसको कर देना है, उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई होने के बाद ये हमारा ऑडियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे उसी थ्री डॉट से। उसके बाद मिक्स द करेंट फाइल विद अनदर। उसके बाद जो हमने म्यूजिक ट्रैक तभी लिया था, ठीक है, जो हम गाना रिकॉर्ड करते टाइम जो सुन रहे थे, तो उसको फिर से लेंगे दोबारा और उसको ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ वॉल्यूम एडजस्ट करने का आएगा। तो आप यहाँ पर प्ले करके सुन सकते हो कि आपको कितना वॉल्यूम ट्रैक का कितना रखना है, और जो आपका वॉइस का है उसको कितना रखना है ताकि अच्छे सुनाई दे। मैं अभी जो मैं सेट कर रहा हूँ तो मेरा वॉइस का 100 और ट्रैक का 50 पे अच्छा सुनाई दे रहा है इक्वल। फिर हम इसे ओके कर देंगे, ठीक है। तो
तो ये हो चुका है, और आपको जो है ये दोनों को मिक्स करके, म्यूजिक और हमारा वॉइस को मिक्स करके ये सॉन्ग हो आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस पे सेव पे क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं किसमें आप सेव कर सकते हो, बट अगर हम MP3 में से सेव करना चाहते हैं तो इसमें जो है मैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है, ये फ्री नहीं है, बट हम जो है वेब फ्लैक और MP4 AAC में कर सकते हैं, तो हम इसे वेब में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वेब में सेव कर लेते हैं, वो फ्री है। उसके बाद हम इसमें अगर नाम कुछ भी देना चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ डन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रैक जो है सेव होके रेडी हो चुका है। अब हम आपको दिखा देते हैं ये कहाँ पे जाता है। तो आपका जो फ़ोन मेमोरी का जो फोल्डर है, जिसमें म्यूजिक ट्रैक म्यूजिक के नाम से जो फोल्डर होगा, इसे हम ओपन कर लेंगे। उसी में हमारा ये सॉन्ग आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, ऑडिशन और सिंगिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। कर दो, इतना ही कर दो करो।